नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। गौ माता फिर चर्चा में है। हिंदुत्व के झंडे तले इस भोली सी चौपाई को बचाने के लिए नए नए तर्क गढ़े जा रहे हैं। इन्हें चर्चाएं आम करने का इस बार श्रेय सरकार के बहुत दो जिम्मेदार जो मंत्री हैं उनके सिर पर जाता है। एक वो हैं जिन्हें लगता है कि गौमूत्र हर रोग का निदान करने में संभव है। कैंसर जैसी बीमारी का भी निराकरण या इलाज जो है वो गौमूत्र के जरिए हो सकता है। दूसरे मंत्री वो हैं जिनको लगता है कि अगर हमें लिंचिंग जैसी घटनाओं से अपने देश को बचाना है, अवॉइड करना है उसको, तो इसका सबसे अच्छा जरिया जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, यानी कि कृत्रिम गर्भाधारण, जिससे गौ माता जो है वो सिर्फ बछिया ही पैदा करे। अजीब से तर्क है। खैर, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जिन्होंने बात की है वो हमेशा टॉक ऑफ द टाउन काइंड ऑफ नेता रहे हैं। और ये हैं एनिमल हस्बेंड्री के मंत्रालय जो है उसके जो देखते हैं उसके मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी। तो इन्होंने ऐसा कहा, बहुत अच्छी बात है, अपने तर्क रखे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ मंत्री जी अगर ये बता देते कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो क्रिएट होगा इसको बचाने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए वो और क्या सोचते हैं। दूसरी चीज़, उन्होंने जो ये सारी बात बताई उससे एक और प्रश्न उठता है कि ये जो घुमंतू आवारा जो गायों की संख्या ज़्यादा होती जा रही है, बूढ़ी गाय हो जाती हैं तो उसको किसान अक्सर छोड़ देता है क्योंकि वो उसके लिए किसी काम की नहीं रह जाती है। और आज की डेट में हालात ये हैं कि आप उसको स्लॉटरिंग के लिए भी नहीं भेज सकते हैं। तो वो घूमती हैं, और कई किसान ऐसे हैं जिनके पास बीज खरीदने को पैसे नहीं है, उन्हें अपने फेंसिंग पे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। फेंसिंग से हो ये रहा है कि पैसे उनके ज़्यादा लग रहे हैं और थोड़ा सा बचाव हो जा रहा है, हालांकि उस गरीब किसान को कितना सहना पड़ रहा है इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मंत्री जी को इस ओर भी कुछ प्रकाश डालना चाहिए था। तीसरी बात एक और है कि जब आप बात करते हैं गौ माता से लिंचिंग बचेगी तो पहलू खान को याद करना बेहद ज़रूरी है। शायद उन्हें याद ना हो या उनके स्मृति पटल से हट गया हो कि पहलू खान गाय को वही शख्स है जिसे राजस्थान में मौत के घाट उतार दिया गया था, लिंचिंग का शिकार हुआ था, इस शक में कि वो स्लॉटरिंग के लिए गाय को ले जा रहा है जबकि वो उसकी आजीविका का स्रोत थे। अब बात करते हैं दूसरे हमारे मंत्री जो हैं, वो हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान अश्विनी चौबे जी, जिन्होंने तर्क गढ़ा है कि यूरिन, गाय का जो यूरिन है, गौमूत्र है, उसके ज़रिए बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, कैंसर भी इससे छोटी नहीं है। मंत्री जी तो कह गए, उन्हें कहना था इसलिए वो कह गए, लेकिन उसके बाद का जो रिपरकशंस की बात करते हैं वो ये हुआ कि मंत्रालय को, आयुष मंत्रालय को खंडन भी जारी करना पड़ा। उनके विजन पे आयुष मंत्रालय ने कहा कि शायद उसको गलत तरीके से मीडिया ने पेश किया है। हमारे दो मंत्री जो कि अजब गजब तरीके से अपने अपने तर्क कर रहे हैं, अच्छा है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच, इन सब से निकल के एक बात जो सामने आती है वो ये आती है कि जब शाख पर ऐसे मंत्री बैठे हों, शाख पर ऐसे लोग बैठे हों, तो गुलिस्ता का अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ लिंचिंग होगी और यहाँ पे अतार्किक बातें रखी जाएंगी, यहाँ पे साइंटिफिक तौर पे कुछ भी सोचने समझने की क्षमता को विकसित नहीं होने दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। इसके साथ ही आपसे पुनः आग्रह है कि आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।